हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? टुडे वी विल सॉल्व क्लास थर्ड ईवीएस वर्कशीट लेसन 18 अ हाउस लाइक दिस। आज हम क्लास थर्ड ईवीएस की वर्कशीट सॉल्व करेंगे, लेसन 18 अ हाउस लाइक दिस, ऐसे भी होते हैं घर। तो चलिए वर्कशीट सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 1, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेज केयरफुली एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद द एप्रोप्रिएट वर्ड। नीचे दिए गए वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और रिक्त स्थान भरें। हिंट दिया गया है, शेल्टर, हिली, बैम्बू, लिफ्ट, एलिवेटर्स, स्लैंटिंग। हमें इनमें से सही वर्ड को रिक्त स्थान में भरना है। फर्स्ट करते हैं, द हाउसेज इन आसाम आर मेड ऑन डैश पिलर्स ड्यू टू हैवी रेनफॉल। भारी वर्षा के कारण असम में डैश के खम्भों पर मकान बनाए जाते हैं। तो यहाँ हम फिल करेंगे बैम्बू, बांस। सेकेंड, हाउसेज आर मेड ऑफ स्टोन्स और वुड इन डैश एरियाज। डैश क्षेत्रों में घर पत्थरों या लकड़ी से बनाए जाते हैं। तो यहाँ हम फिल करेंगे हिली, इन हिली एरियाज। हाउसेज आर मेड ऑफ स्टोन्स और वुड इन हिली एरियाज। थर्ड, ए डैश रूफ हेल्प्स टू लेट द स्नो और वाटर स्लाइड ऑफ। एक डैश छत बर्फ या पानी को फिसल कर बह जाने में मदद करती है। तो यहाँ फिल करेंगे स्लैंटिंग। फोर्थ, इन मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स People and goods are transported from one floor to another with the help of dash. बहुमंजिला इमारत में लोगों और सामान को एक मंजिल से दूसरी मंजिल तक डैश की मदद से पहुंचाया जाता है। तो यहाँ फिल करेंगे लिफ्ट, या एलिवेटर्स भी लिख सकते हैं। फिफ्थ, डैश इज़ द मेजर प्रॉब्लम इन बिग सिटीज़। बड़े शहरों में डैश एक प्रमुख समस्या है। तो यहाँ लिखेंगे शेल्टर, शेल्टर इज़ द मेजर प्रॉब्लम इन बिग सिटीज़। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 2, राइट टी फॉर ट्रू और एफ फॉर फॉल्स अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट। ट्रू के लिए टी और फॉल्स के लिए एफ लिखें। फर्स्ट, पीपल लिव इन टेंट्स ऑन हिली एरियाज, फॉल्स, एफ लिखेंगे। सेकंड, पीपल लिव इन बैम्बू हाउसेस इन दिल्ली, फॉल्स। थर्ड, एलिवेटर्स लिफ्ट्स आर यूजफुल टू गो फ्रॉम वन फ्लोर टू अनदर। एक मंजिल से दूसरी मंजिल पर जाने के लिए लिफ्ट का उपयोग किया जाता है, ट्रू। तो यहाँ टी लिखेंगे। फोर्थ, एस्किमो पीपल लिव इन इग्लूज, एस्किमो लोग इग्लू नामक घरों में रहते हैं, ट्रू। तो यहाँ टी लिखेंगे। फिफ्थ, अ हाउस बोट इज़ यूज्ड एज अ होम, एक हाउस बोट को एक घर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, ट्रू। यहाँ टी लिखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 3, लुक एट द बिलो पिक्चर्स केयरफुली एंड राइट देयर नेम्स। नीचे दिए गए चित्रों को ध्यानपूर्वक देखिए तथा उनके नाम लिखिए। सो हेयर फर्स्ट पिक्चर इज ऑफ ट्री हाउस, तो यहाँ ट्री हाउस लिखेंगे। ये पेड़ के ऊपर बने घर होते हैं। सेकंड पिक्चर हाउस बोट की है, ये बड़ी नावों पर बने पानी में तैरते घर होते हैं। चलिए नेक्स्ट पिक्चर देखते हैं। नेक्स्ट पिक्चर है टेंट की, ये है थोड़े समय के लिए रहने के लिए बनाया जाता है। फोर्थ पिक्चर इग्लू, ये बर्फ़ के बने घर होते हैं, इनमें एस्किमो लोग रहते हैं। चलिए नेक्स्ट पिक्चर देखते हैं। दिस इज़ मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग, यह बहुमंजिला इमारत है। यह बहुत ही मजबूत होती है तथा शहरों में बनी होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन 4, चूज़ द करेक्ट आंसर, सही उत्तर चुनिए। ए, houses are made with sloping roof in hilly areas to dash, पहाड़ी क्षेत्रों में ढलान वाली छत के घर बनाए जाते हैं,
तो यहाँ करेक्ट आंसर है सेकंड, टू प्रिवेंट कलेक्टिंग ऑफ स्नो वाटर ऑन द रूफ। बी वी कैन सी हाउस बोट्स इन डैश, तो यहाँ करेक्ट आंसर है सेकंड, द डल लेक ऑफ श्रीनगर। सी एलिवेटर्स लिफ्ट्स आर यूज्ड इन बिल्डिंग्स टू डैश, तो राइट आंसर इज फर्स्ट, गो फ्रॉम वन फ्लोर टू अनदर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 5, ड्रॉ अ ब्यूटिफुल पिक्चर ऑफ योर ड्रीम हाउस एंड कलर इट, यहाँ पर आपको अपने सपनों के घर का एक सुंदर चित्र बनाकर रंग भरना है। तो चिल्ड्रन डू इट योरसेल्फ, यह कार्य आप स्वयं करेंगे। आपकी सुविधा के लिए मैंने यहाँ कुछ पिक्चर्स लगा दी हैं जिनकी सहायता से आप आसानी से अपना ड्रीम हाउस ड्रॉ कर सकेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोरोना अवेयरनेस कैंपेन टू अवॉइड कोरोना, कोरोना से बचाव के लिए फर्स्ट ऑलवेज वेयर अ फेस मास्क, हमेशा फेस मास्क पहने। सेकंड कीप वॉशिंग हैंड्स रिपीटेडली विद सोप एंड वाटर, हाथों को साबुन व पानी से बार बार धोते रहें। थर्ड अवॉइड क्राउडेड प्लेसेस एंड मेंटेन सोशल डिस्टेंस, भीड़ भाड़ वाली जगहों से बचें व सामाजिक दूरी बनाए रखें। तो बच्चों ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।